जन्माष्टमी मना रहे हैं ना कॉलोनी में, तो हम राधा बन रहे हैं, तो किशन जी के लिए आपका नाम दे दिए। तुम हमें इन सब चीजों में मत उलझाओ। मैंने तुम्हारा नाम कृष्णा के रोल के लिए लिखवा दिया। अनु यार come on, मैं कृष्ण जी के रोल के साथ न्याय नहीं कर सकता यार। देखो ना उनकी कितनी सारी गोपियां थी। भाभी जी कौन सा रोल कर रही है? रुक्मणी का है। वैसे भाभी जी कौन सा रोल कर रही है? राधा का। राधा का है? एक काम करते हैं, चिट सिस्टम करते हैं, उसमें से किसी एक चिट पे लिख देते हैं कृष्ण जी और बाकी सारी चिट्स को खाली छोड़ देते हैं। जिसके हाथ में कृष्ण जी वाली चिट आ जाएगी वही बन जाएगा कृष्णा। कृष्णा हाय दया, ये गड़बड़ है, दोनों पर्ची पे कृष्णा जी लिखा है। ये गड़बड़ इसीलिए है क्योंकि इन दोनों ने चीटिंग की है। मन तो कर रहा हुआ गोरी मैम के इन दोनों को अरेस्ट कर लें भाई। ये बहुत गलत बात है। अब भाभी जी इन दोनों ने बेईमानी करी है, चिट ना दोबारा से डलेंगी। हाँ कोई जरूरत नहीं दोबारा चिट सिस्टम करने की। जो चीटिंग करते हैं वो इस लायक ही नहीं है। अब तो सिर्फ कृष्णा वही बनेगा जिसमें कृष्णा जैसे गुण होंगे। अनिता जी बिल्कुल सही कह रही हैं। भांजे कृष्ण आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कंस मामा आज आपका अंत निश्चित है। क्या हो रहा है? एक्चुअली मैं अपने आप को ना कृष्ण जी के रूप में ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सपना सा आ गया था, एक अच्छा सपना आया। अपने आप को कृष्ण जी के रूप में ढालने की कोशिश कर रहे हो तो उनके जैसे दिखने से कोई फायदा नहीं है, उनके गुण होने चाहिए। पता है कृष्णा जी कितनी मधुर बांसुरी बजाते थे। खैर छोड़ो, तुम ना आओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। बांसुरी अभी बजाऊंगा। बांसुरी भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। क्या बात है भरभूति जी, क्या हुआ? अरे बैठिए बैठिए भाभी जी, बैठिए।
भाभी जी, कृष्ण जी बहुत अच्छी बांसुरी बजाया करते थे ना। हाँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कितनी अच्छी बांसुरी बजाता हूँ। हाँ दिया, आप भी बांसुरी बजाते हैं क्या? हाँ भाभी जी, मैं बहुत अच्छी बांसुरी बजाता हूँ, और कृष्ण जी का रोल करने के लिए मुझसे बेहतर कोई चॉइस हो ही नहीं सकती। मैं आपको नमूना दिखाता हूँ। मैं अपने सुर छेड़ूंगा और मेरे पवित्र सुरों से ये बांसुरी जगमगा उठेगी। आई लाइक इट। आपका मतलब है ये बांसुरी से बत्ती जलेगी? जी, बत्ती जल जाएगी इसमें। हटिया, बजाइए बजाइए। जी। कब से हरी परसा चौरसिया हो गए? इन्हें तो गुइया की जड़ नहीं पता बांसुरी के बारे में, और इतनी बढ़िया बांसुरी बजा रहे गुरु है। अबे तेरी, ये क्या बांसुरी बजाएंगे अंगूरी, इनकी तो खुद की बांसुरी बज चुकी है। करने क्या चले थे? वो क्या गया, वो झुलझा लिए अपने विभू।
प्रभु। तुम्हारी चीख निकल गई ना मुझे देखकर, इसलिए तुमने अपना हाथ मुंह पे रख लिया। नहीं यार, किसी को कुछ बोलने का मौका तो दो यार। क्या मतलब है इसका विभू? यही तो मतलब हुआ ना। इसका मतलब यह कि मेरे दांत में दर्द है यार, टूटे क्या मेरे को यार। ओ अच्छा, खैर छोड़ो विभू, मैं रुक्मिणी के गेटअप में कैसी लग रही हूँ? भाभी जी वाह, क्या लग रही हैं आप! ऐसा लग रहा है जैसे देवी रुक्मिणी साक्षात स्वर्गलोक से उतर आई हो। क्या तिवारी जी, आप भी ना, वैसे सच्ची मुच्ची भाभी जी। देखा विभू, तिवारी जी मेरी कितनी तारीफ करते हैं। तुम्हारे मुंह से तो एक लफ्ज तारीफ का नहीं निकलता मेरे लिए। भाभी लगता है इनके लफ्जों में करंट लग गया है। ये क्या बेतुकी बात कर रहे हैं, ये क्या सेंसलेस बात कर रहे हैं? तो मतलब इन बातों का? सही तो कह रहे हैं, फिर मुंह पे हाथ क्यों रखा हुआ है? मेरा हाथ है, मैं कहीं भी रखूं तो प्रॉब्लम है आपको? ओहो तिवारी जी, एक्चुअली हुआ क्या है कि आज विभू को दांत में बहुत दर्द है। ओहो अच्छा, भाभी जी की तारीफ करते हैं तो दांत में दर्द हो जाता है। वैसे फालतू की बकवास करते रहते हैं और लोगों को बोलने का मौका तक नहीं देते हैं। ये बेकार में ना, दिमाग मत जलाइए, जाइए यहां से। दिमाग चलाइए या होंठ चलाइए? ये देखो देखो, ये टिंगल कर रहा है आदमी, मुझे टिंगल कर रहा है देखो। वैसे बांसुरी बहुत बढ़िया बजाते हैं आप। विभू मुझे पता नहीं है कि तुम बांसुरी बजाते हो, अपनी बीवी को तो तुमने कभी बताया नहीं, सारी दुनिया को पता है। This man is disgusting. सब bad news. अब जो मालूम है कहां से रखें? उठाओ। ये कैसा शोर था? कुछ हो रहा है ना? अच्छे से बस बस। ऐसो भैया, अब की बार हम बनेंगे किशन जी जो फाइनल हो गए हुए। ऐसे देखो मटकी फोड़ रहे हैं, हाथ दो। अरे दादा ऐसो। हाँ दे। अब जो मालूम है कहां से रखें? उठाओ। अरे दादा अच्छे से बस बस। हाँ तनक और ऊपर जल्दी फोड़ो। अरे ठहर जा, मटकी मटकी पे थोड़ा ऊपर को लो मटकी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस ये हाथ पकड़। तिवारी जी इस बार तो लगता है अप्पू सिंह जी ने ठान लिया है कि कृष्णा का रोल तो वही करेंगे। हेलिए ना, हेलिए ना, हेलिए ना। हाँ बस बस बस, ए हेलना। हाँ अब की बार तो किशन जी हम ही बनेंगे। देखो ससुरो कैसी मटकी फोड़ते हैं। दबा तो रहे। दिकार है दरोगा जी, इतने बड़े दरोगा और इतने कमजोर। अरे भांजी के मामा दरोगा का स्टील के बने होते हैं का? अरे भैया बेबी तो आम आदमी है। अच्छा जी, हमें तो पता ही ना था। अब पता चल गो। चुपचाप ना, बकर बकर ना कर, चुपचाप वहां दबा। अरे दादा, हो क्या गया दरोगा जी, क्या हो गया ये? तुम यार आंख के अंधे होगा, देखने में पाव रखो थे। अरे क्या हो क्या गया हप्पू सिंह जी, ऐसी क्या आफत आ गई? अरे क्या बताएं यार तिवारी, ये मटकी फोड़वे के चक्कर में सोच रही पाओ की हड्डी टूट गई एक आध। अरे यार किसी ने क्या खूब कहा है कि कृष्ण का काम कृष्ण को साजे, कंस करे तो जूता बाजे। का बक रहे यार तुम जो? अरे सही तो कह रहे हैं, अपने आपको आईने में देखा है किस एंगल से आप कृष्ण लगते हैं?
अगर आप जैसे कृष्ण होंगे ना तो गोपियां तो क्या गाय भैंसे भी डर के भग लेंगी। तिवारी तुम यार सच में बहुत बड़ी चिरांद हो, एक तो हम छिले बैठे हैं और तुम छिली छिली सुना के हमें और छील रहे हो। अरे बल्कि हम तो आपको छिलने से बचा रहे हैं। भगवान कृष्ण का रूप धरना आपके बस की बात नहीं है। तो क्या करें महाराज, आप कंस बन जाइए। अच्छा जाने हम आपका फायदा होगो। हमेशा फायदे की सोचोगे हैं? काहे ना सोचे यार, काहे ना सोचे फायदो। घर में प्रेग्नेंट बीबी है, घर में नौनौठिया बच्चा है, काहे ना सोचे। हाँ ये बात भी सही है। ये धरो। जो का है? कंस बन जाओ। तुम यार तिवारी हद करे हो, तुम्हारे चक्कर में हम कृष्ण से कंस बन रहे हैं। इतनो बड़ो डायरेक्ट मतलब करेक्टर में हेर फेर कर रहे हैं और तुम चुक्का दे रहे हो गुइया। तो ये और पकड़िए, वैसे भी आपका कोई करेक्टर है नहीं। तुम यार का मतलब क्या है तुम्हारा? न्योछावर करिए और अपने रियल करेक्टर कंस में आ जाइए। गलो दबा दे, गलो दबा दे, बिल्कुल ऐसा ही। मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। माखन की खुशबू आ रही है, लगता माखन मथा जा रहा है। क्यों ना आज माखन चोर ही बना जाए। मैया मोरी मैं ना ही माखन खायो। स्वादिष्ट माखन है। आप इसको बाहर फेंक देना। लड्डू के भैया वो माखन। अरे लड्डू के भैया नहीं, माखन चोर बोलो। क्यों लग रहा है ना माखन चोर? माखन चोर ने भैया सिर्फ चोर लग रहे हैं। चुप है। आ लड्डू के भैया वो माखन मत खाइए। अरे काहे नहीं खाइए भैया, हम माखन चोर हैं। भैया अब मक्खन के साथ साथ क्या छिपकली भी खाने वाले हैं? अबे चुप है, कहाँ है छिपकली? वो आपके हाथ में। अंगूरी तुमने हमें छिपकली वाला मक्खन खिला दिया। हम कब से आपको बता रहे थे, लेकिन आपके सर पे माखन चोर सवार था। My God, Vibhu, what is this? तुम्हारे होंठ इतने काले हो गए और तुम मुझसे बोल रहे थे कि तुम्हारे दांत में दर्द है? Actually वो मैं वो क्या मैं बकरी की तरह लगा रखा है? कहाँ से करके आए अपने होंठ काले? Actually हुआ ये कि मैं वो वहाँ बैठा चाय की दुकान पे, सक्सेना जी आए, कहने लगे विभूति भैया गरम गरम भुट्टे खाएंगे क्या? मैंने लेके एक बाइट लिया, जैसे मैंने बाइट लिया उसमें एक जलता हुआ कोयला था जिससे मेरे होंठ जल गए। बट डोंट वरी, मैंने लगा लिया ऑइंटमेंट, ठीक हो जाएगा, सुबह तक आई विल बी ऑल राइट, डोंट वरी। मुझे यकीन नहीं होता, मतलब कमाल है विभु, सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा कैसे हो जाता है? कोई भी तुम्हारा उल्लू खींच के चला जाता है। मैं समझती हूँ कि मेरा विभु बड़ा नटखट है, बड़ा क्यूट है,
तुम्हारी हरकतें तो बिल्कुल पुत्थू जैसी हैं। कृष्णा बनना है ना तुम्हें? कृष्णा नटखट थे, बुद्धू नहीं। नटखट बनूंगा, कल सुबह मैं नटखट हो जाऊंगा। अनीता थैंक यू। तिवारी जी, मैं आपके कृष्ण जी बनने के इरादों पर पानी नहीं तेल फिरा दूंगा। ये कैसे मालूम पड़ेगा कि तेल की क्वालिटी अच्छी है? ये तेल चिकना है राजा भाई। गुड, क्वालिटी अच्छी है। मैंने कहा तिवारी जी,